देखो हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिविंग रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में तीन स्टेज होती है। एक फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन वो फेज होता है जहाँ पर हम लोग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आपस में क्या किया जाता है, फ्यूज कराया जाता है। और उससे पहले का जो फेज होता है उसे प्री फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जहाँ पर गैमेट का प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये सब हम लोग रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ चुके हैं। हम आगे देखना चाहते हैं क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखा जाए ह्यूमन जो है वो यूनिसेक्स होंगे। रिप्रोडक्शन के बेस पे ये यूनिसेक्स होंगे। यूनिसेक्स मतलब एक बॉडी में एक ही पार्ट रहेगा, मेल या फीमेल, है ना, उसे हम यूनिसेक्स कह देंगे। उसके बाद ये डायमॉर्फिज्म है। डायमॉर्फिज्म कहा जाता है जिसके द्वारा मेल और फीमेल को फिजिकल कैरेक्टर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है ना। जो फिजिकल कैरेक्टर है, फिजिकल बॉडीज है, उस फिजिकल कैरेक्टर के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल बाय फिजिकल या फिजियोलॉजिकल कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मेल और फीमेल को हम लोग क्या कहते हैं, पहचान पाते हैं, जैसे मेल में बियर्ड होता, मॉस्टेज होता, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, है ना, बॉडी कर्विंग लीनियर हो जाता है। तो बहुत से फीचर है जो मेल को फीमेल से अलग करता है। इस प्रोसेस को या इस फीचर को हम बोलते हैं डायमॉर्फिज्म, है ना। हम लोग देखें तो कई इवेंट्स है, कई स्टेप है जिससे क्या होता है रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। हम प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसको भी कई चैप्टर, कई स्टेप में बात चुके हैं, कई सेगमेंट में बातें या कई इवेंट्स, अगर एनसीईआरटी का लैंग्वेज पढ़ोगे तो कई इवेंट्स लिखे होंगे, है ना। तो स्टेप या स्टेज कह सकते हैं, या इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको। कई इवेंट्स में बांटे हुए इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला इवेंट्स जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन का वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो है, गैमेटोजेनेसिस में जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा आती है। मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बनती है। मियोसिस सेल डिवीजन वो जिसमें क्या होता है कि कोई सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड हो जाती है। मतलब एक ट्विन सेल अगर हैप्लॉइड सेल में आ जाए, ट्विन मतलब डिप्लॉइड सेल होती है, अगर कोई डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है तो इसको मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा कोई अगर हैप्लॉइड सेल तैयार होते हैं तो उसे हम लोग गैमेट कहते हैं। अब हमारे पास हमारी बॉडी जो है वो यूनिसेक्सुअल है, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। तो दोनों की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दोनों सिस्टम के अंदर क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस मेल में भी चलेगा और फीमेल में भी चलेगा, है ना। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ऐसे हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, मेल को भी डिटेल में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव को भी हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ना, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा उसका एक ओवरव्यू देखते हैं कि सर मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से काम होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या होता है। लेकिन गैमेटोजेनेसिस में हम देखें तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में मेल रिप्रोडक्टिव में जो गैमेट बनती है उस प्रोसेस को हम वो बोलते हैं सर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें जहाँ पर क्या होते हैं कि सर जो गैमेट तैयार होते हैं इस प्रोसेस से उस गैमेट का नाम है स्पर्म, है ना, और यहाँ पर जो गैमेट तैयार होता है उसका नाम है ओ। जनरली स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस करवाने के लिए
सिर्फ ऑर्गन ही या कोई स्पेशल ऑर्गन ही पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो GnRH हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलती है, और हाइपोथैलेमस से निकल करके ये पिट्यूटरी के पास जाती है, जहाँ से NH और FSH है ना, न्यूटिनाइजिंग हार्मोन और क्या फंक्शनल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, NH और FSH ये दोनों में निकलते हैं, मेल और फीमेल दोनों में निकलती है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक सबसे पहला प्रोसेस आता है कि सर गैमेटोजेनेसिस। अब मान लो गैमेट बन गया, तो उस गैमेट का होगा क्या? अब यहाँ पर देखा जाए जो मेल गैमेट होते हैं वो मेल गैमेट मोटाइल गैमेट होती है। अब मेल वाला पार्ट अगर मान लो यहाँ से कि सर ये मेल है, इस मेल गैमेट का जो स्पर्म बना ये मोटाइल है, जबकि जो फीमेल गैमेट बनती है ना, ये जो फीमेल गैमेट बनती है ये नॉन मोटाइल होती है। अब सोचो नॉन मोटाइल है तो ये फीमेल गैमेट तो कहीं जा नहीं सकता, जबकि मेल गैमेट जब तक फीमेल गैमेट के पास जाएगा नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अब इस मेल गैमेट को क्या करना होगा सर, यहाँ से निकाल करके मतलब मेल बॉडी से इसे पहुँचाना होगा फीमेल ट्रैक तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक, फीमेल ट्रैक जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक कहा जाता है, वहाँ तक इसको पहुँचाएंगे। वो प्रोसेस जो होगा उसको हम कहेंगे इंसेमिनेशन, उस प्रोसेस को बोलेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि सर मेल गैमेट ट्रांसफर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें ये जो होता है पेनिस के थ्रू वेजिना में डाले जाते हैं ना, पेनिस के थ्रू अगर गैमेट को मेन गैमेट जिसमें गैमेट तैयार होती है, गैमेट के साथ साथ इसमें सीमेन होता है, सीमेन में फ्रुक्टोज आगे हम पढ़ेंगे, फ्रुक्टोज रहता है, सेमनम वेस्कम से निकला हुआ फूड रहते हैं, तो बहुत से पार्ट्स रहते हैं जो क्या होता है उसमें फीमेल ट्रैक में भेजी जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है फीमेल ट्रैक में पहुँचाने का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहाँ बनेगा सर, मेल में दो बनेगा जिसको कहेंगे स्पर्म, फीमेल में जो बनेगा उसको कहेंगे ओवम। मेल में जहाँ पर बनता है उस ऑर्गन का नाम है टेस्टिस, और फीमेल में जहाँ पर बनता है उसका नाम है ओवरी। हम उसको आगे करके एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हो गया इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद क्या हो गया इंसेमिनेशन। दूसरी प्रोसेस यहाँ पर से आता है कि जब ये मेल गैमेट फीमेल बॉडी में पहुँच गया है ना, मेल गैमेट जब फीमेल बॉडी में पहुँच गया तो फीमेल बॉडी में पहुँचने के बाद इसका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा फर्टिलाइजेशन देखो किसी बुक में एस ए टी आई लिखता है, किसी में जेड ए टी आई लिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि सर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि देखो हमारे जो गैमेट बने थे इस गैमेट में क्या था, यह हैप्लॉइड था और ये भी हैप्लॉइड था। जैसे हम जानते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या जो होता है वो 46 होता है, इस 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम जो आता है वो फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं। अब ये क्रोमोसोम जब तक आपस में मिलेगा नहीं तो हमारी बॉडी 46 क्रोमोसोम का होगा नहीं, तो ये जो क्रोमोसोम की संख्या है उसको डिप्लॉइड करने के लिए आपस में ये दोनों जो सेम आती है जो ओवम है या स्पर्म है, स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज कर जाता है ना, स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करके ये एन था एन आपस में मिल करके 2N बन जाता है, जिसके डिप्लॉइड सेल तैयार होते हैं, और इस डिप्लॉइड सेल का नाम है जायगोट है ना, इस डिप्लॉइड सेल को क्या बोलते हैं जायगोट। तो सोचो हमारे बॉडी क्या है, जनरली हमारी बॉडी डिप्लॉइड है, जब ये गैमेट प्रोड्यूस करता है तो किस फॉर्म में करता है, हाइप्लॉइड फॉर्म में करता है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन कैसे होगी, डिप्लॉइड फॉर्म में होगी। तो डिप्लॉइड फॉर्म में होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, दो गैमेट को आपस में मिलाने पड़ेगा ताकि हाइप्लॉइड और हाइप्लॉइड आपस में मिलकर क्या बन जाए, डिप्लॉइड बन जाए। तो डिप्लॉइड बनाने के लिए क्या किया गया, फर्टिलाइजेशन। और ये प्रोसेस जो होती है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो सोचो इंसेमिनेशन का प्रोसेस कहाँ हुआ, वेजिना में, हम आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा लेंगे।
है ना, तो पहले क्या होगा वेजिना, इतना तो 10th तक नॉलेज होगा ही है ना, बेसिक नॉलेज तो होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो सोचो क्या होगा, इनसेमिनेशन होगा कहाँ पे, वेजिना में, वेजिना से ही स्पर्म गया कहाँ पे, फीमेल के ओटोरस होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पर क्या होते हैं स्पर्म और ओवम मिल करके एक डिप्लॉइड तैयार करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। अब ये जायगोट यहाँ से बोलेंगे, ये जायगोट यहाँ से तैयार हुआ, अब इसमें देखूंगा सेंड इवेंट होगा, सेंड इवेंट होगा, ये टिश्यू मेंबर का तैयार होगा, क्योंकि अभी एक यूनिट सेलर है, एक सेंग बना हुआ, हमारी बॉडी मल्टी सेलर है। अब ये सेंग कई स्टेजेज में डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद ये क्या करेगी, एक ब्लास्टोसिस्ट तैयार करेगी, इधर दिख रहा है, इसे क्या कहें, इधर ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जायगोट आगे जाकर के ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ से जाएगी, और ये क्या हो जाएगा कि सर ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलता है, और फैलोपियन ट्यूब से निकल करके ये जाता कहाँ है, यूटेरस में। यूटेरस की जो दीवार होती है, इस दीवार में आकर के ये इम्प्लांट कर जाती है, मतलब धस जाता है वहाँ पे, क्योंकि इससे इसको ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, बंगड वेसल्स चाहिए, ये सारे जो न्यूट्रिशन, बंगड वेसल्स, ऑक्सीजन, ये सारे की रिक्वायरमेंट जो होगी इसका, उसके उसके लिए इसे एक स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए, और वो यूटेरस की दीवार में क्या रहता है, धस जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग निडेशन या इम्प्लांटेशन कहते हैं, है ना, निडेशन कहते हैं, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद इसमें क्या होता है कि पीरियड चलते हैं, जो 9 जो प्रेगनेंसी पीरियड कहा जाता है, जो यूटेरस होता है, बॉम्ब जिसको हम लोग कोक भी बोलते हैं, है ना, मतलब उसमें जा करके इम्प्लांट होने के बाद ये क्या करने लगता है सर, अपने आप को तैयार, एक चैनल को तैयार करने लगता है, जिससे तुम अगर 11th में अगर डाइवर्सिटी पढ़ा होगा तो पता होगा कि ह्यूमन जो होता है उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना, ह्यूमन की जब बनता है तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इस तरीके से 3 लेयर से बॉडी तैयार होती है। तो जो टिश्यू का 3 लेयर के तैयार होता है वो सब प्रिपरेशन होने लगती है, और यहाँ से जो प्रोसेस चलता है उसे गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या चलेगा, गैस्टेशन, गैस्टेशन पीरियड जो होता है, ऐसे बहुत सारे बुक में देखोगे 9 मंथ 10 डेज लिखा रहता है, जबकि अगर तुम MBBS में जाओगे, फर्स्ट ईयर जाओगे, वहाँ पर तुम्हें क्या होगा कि लिखा रहेगा, वहाँ की जो बुक है उसमें लिखा है 9 मंथ 7 डेज। तो गेस्टेशन पीरियड कितने चलते हैं, 9 मंथ 7 डेज का चलते हैं, है ना। तो क्या होता है, जनरली बुक में 10 डेज भी लिखा रहता है, किसी में 9 मंथ ही लिखा रहता है ना, लेकिन अगर MBBS में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें क्या दिखेंगे, यहाँ पे 9 मंथ 7 डेज लिखा हुआ है, जो प्रैक्टिकली है NCERT में देखो तो 9 मंथ 7 डेज का 10 डेज, पुराने बंगा NCERT में देखो तो 7 डेज लिखा हुआ है, अभी जो NCERT उसमें क्या होते हैं 10 डेज, अप्रॉक्स इसको जोड़ करके दिन बता दिया, है ना, इसको जोड़ कर चैनल्स पे कर सकते हो, डिलीवरी ऑफ चैनल, जिसमें क्या होता है कि सब 9 मंथ 7 डेज का जब क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड चलता है, गेस्टोमेशन पीरियड चलता है, बच्चे पूरे बन के तैयार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और वो इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट के अनुसार से अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं, उसके बाद उस बच्चे को क्या कर दी जाती है, डिलीवर कर दिया जाता है। अब ये डिलीवर करने में दोनों काम करते हैं, न्यूरॉन हाइपोफाइसिस भी काम करता है, मतलब न्यूरॉन सिस्टम भी काम करती है, केमिकल मतलब हार्मोनल सिस्टम भी काम कर रहा होता है। तो इस पार्चुरेशन के समय, क्योंकि यूटेरस जो होता है ना वो एक स्मूथ मसल्स का बना हुआ पार्ट है, और स्मूथ मसल्स का बना हुआ पार्ट है, तो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। अब सोचो अगर मान लीजिए ये बॉम्ब या कोक जिसको कहते हो या यूटेरस जिसको कहते हो, यहाँ से चाइल्ड को बाहर आने, जब चाइल्ड को बाहर आना, तो अगर यहाँ से पुशअप किया जाए तो पुशअप किया जाए तो ये चाइल्ड आराम से क्या हो सकते हैं, यहाँ से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ये भी एक पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी से निकलने वाला दो हम पीछे देखे, गैमेटोजेनेसिस के समय NH और FSH, है ना, और एक चाइल्ड बर्थ के समय क्या निकलती है, ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है तो रिप्रोडक्शन का मेन इवेंट्स यहीं तक है, लेकिन इसके अलावा फीमेल में क्या होता है कि जब चाइल्ड डिलीवरी के बाद उसका जो ब्रेस्ट वाला हिस्सा होता है जहाँ से मिल्क फॉर्मेशन होने लगते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग का काम शुरू होता है, इसलिए इसे यहाँ पर एक और पीरियड जोड़ देते हैं, उस पीरियड का नाम है लैक्टेशन पीरियड, है ना, लैक्टेशन पीरियड है।
जो जनरली जो भी बच्चे हैं उस बच्चे को एक न्यूट्रिशन चाहिए और वो बच्चा लिक्विड न्यूट्रिशन के रूप में अपने मदर का मिल्क ही तो लेता है, है ना। मदर मिल्क अगर वहाँ से आएंगे और ये लैक्टेशन का जो होता है इसमें मिल्क फॉर्मेशन से लेकर के मिल्क इजेक्यूएशन तक, है ना, मिल्क फॉर्मेशन से लेकर मिल्क इजेक्यूएशन, इजेक्यूएशन कहने मतलब मिल्क बाहर निकालने तक ये काम करता कौन, ऑक्सीटोसिन, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, मिल्क इजेक्यूएशन ले सकते हो, फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिल्क इजेक्यूएशन हो या फॉर्मेशन हो, ये दोनों में क्या काम करती है, ऑक्सीटोसिन। जब तक मिल्क बन रहा होता है, है ना, या मिल्क का इजेक्यूएशन हो रहे होते हैं तब तक NH और FSH रिलीज नहीं होती है पिट्यूटरी से, जिसके कारण से गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या रहता है, बंद रहता है और मेस्ट्रॉन साइकिल वहाँ से नहीं होती है, है ना। मेस्ट्रॉन साइकिल वहाँ पर क्या रहती है, बंद रहती है। तो एक पीरियड है जिसमें हमने देखा क्या, किस तरह रिप्रोडक्शन इवेंट्स क्या क्या है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की गैमेटोजेनेसिस का। दूसरी बात है कि जब गैमेट बन गया तो उस गैमेट मेन गैमेट को कहाँ भेजना है, फीमेल गैमेट में। सर फीमेल को क्यों नहीं मेल के पास भेजेंगे, क्योंकि फीमेल वांगा नॉन मोटायन गैमेट है, फीमेल वांगे नॉन मोटायन गैमेट है। तो मेन गैमेट मोटायन है और मोटायन गैमेट होने के कारण से उसको हम क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के एक्सटर्नल जेनाइटम तक, मतलब एक्सटर्नल ट्रैक जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको वैजिना कहते हैं वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। वो उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलेंगे। इंसेमिनेशन के बाद जो प्रोसेस होगा वो जाएगा क्या, मेन गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने का प्रोसेस क्या कहा जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन में जो हाइपोइड गैमेट थे वो हाइपोइड गैमेट आपस में मिला और हाइपोइड गैमेट आपस में मिल करके क्या किया, डिप्लॉइड स्ट्रिंग का निर्माण किया। वो डिप्लॉइड स्ट्रिंग क्या था, जायगोट। यहाँ पर जायगोट फॉर्म हुआ। जायगोट फॉर्म होने के बाद उसमें रेगुलर स्ट्रिंग डिविजन होते हैं, वो आठ दो एक स्ट्रिंग से दो स्ट्रिंग, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, 32, इस तरीके से स्ट्रिंग तैयार होते रहती है। वो एक टिश्यू का रूप लेने लगते हैं, तो उसको हम उस टिश्यू रूप लेने से पहले तक का जो स्ट्रिंग आती है उसे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहा जाता है। वो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करती है और वो ब्लास्टोसिस्ट फैलोपियन ट्यूब में तैयार होती है। फैलोपियन ट्यूब से निकलता है, चला जाता है कहाँ पर, ओ यूटेरस में। यूटेरस की दीवारों में जाकर के क्या होती है, वो इम्प्लांट कर जाती है, धस जाती है, जहाँ पर उसे बंगड फेसंस मिलते हैं, वहाँ पर न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलते हैं, या उसके जो भी रिक्वायरमेंट है सेम ग्रोथ करने के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उसको मिल जाती है। इम्प्लांटेशन होने के बाद उसमें गैस्ट्रोनेशन पीरियड चलता है, है ना। गैस्ट्रोनेशन पीरियड में क्या होते हैं कि सर एक प्रेगनेंसी पीरियड होती है जो अलग अलग एनिमल्स में अलग होती है, लेकिन ह्यूमन में हम बातें करें तो ह्यूमन में क्या होती है, 9 मंथ 7 डेज के आसपास की होती है। अब ये गेस्टुएशन पीरियड के बाद जब बच्चे तैयार हो जाते हैं, निकलने के लिए तैयार होते हैं, तो वहाँ से पार्चुलेशन होती है, जिसको चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड डिलीवरी कह सकते हो। वो किसके हार्मोन के कारण से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण से होता है। और उसके बाद का जो फीमेल पीरियड चलती है वो लैक्टेशन पीरियड होता है, जिसमें मिल्क का फॉर्मेशन होती है और उसके बाद क्या होती है, मिल्क इजेक्यूएशन होती है। इस ये पूरी इवेंट्स था क्या, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का। अब ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम समझते हैं, है ना। जितने भी इवेंट्स हमने पढ़ा उस इवेंट्स को मेल में भी पढ़ेंगे, उस इवेंट्स को फीमेल के अंदर भी देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स जो है मेल में हो रहे हैं। मेल में सिर्फ और सिर्फ दो काम है मेल का, एक तो अपने गैमेट बनाऊँ और उसके बाद उस गैमेट को फीमेल भेजाने ट्रैक तक पहुँचा दूँ, है ना। मेल का इतना ही काम है, उसके बाद का जो भी पीरियड चलेगा, है ना, उसके बाद का तूने पढ़ा फर्टिलाइजेशन होना, उसके बाद का तूने पढ़ा क्या, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करना, इम्प्लांटेशन करना, उसके क्या उससे गेस्टुएशन पीरियड तक करना, चाइल्ड पार्चुलेशन करना, ये सारे चीज़ें जो काम है वो कहाँ पर होगी, फीमेल बॉडी में होगी, है ना। मेल बॉडी का काम था सिर्फ गैमेट बनाओ और उसे क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट भी आसान से पढ़ते हैं, लेकिन हाँ एक एक पॉइंट हम लोग समझते जाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देखो मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव हो या फीमेल हो, ये दोनों में दो टाइप के ऑर्गन काम कर रहे होते हैं। एक वो ऑर्गन जो गैमेट बनाने का काम आता है, है ना, एक वो ऑर्गन जो गैमेट बनाने का काम आता है, और एक वो ऑर्गन जो गैमेट को ट्रांसफर करने का काम, या गैमेट को न्यूट्रिशन देने का काम, या गैमेट का प्रोडक्शन, या वहाँ पर क्या जो भी गैमेट से लेकर के काम होगा वो काम करने में ट्रैक्ट काम करेगा या सिस्टम काम करेगा उसको कहेंगे। तो मेरे पास दो तरह के का ऑर्गन है, एक है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हो, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हो इसको, है ना। एक होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उसको कहा जा सकता है ना।
एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया और दूसरा क्या हो गया, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उस ऑर्गन को कहते हैं जहाँ से क्या होती है, गैमिट की फॉर्मेशन होती है, गैमिटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है ना, जहाँ पर क्या चलती है, गैमिटोजेनेसिस चलती है। और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स तैयार होते हैं जिसमें हम लोग का मेन रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो एंड्रोजेन तैयार करता है। क्या तैयार करता है, एंड्रोजेन हार्मोन तैयार होते हैं कहाँ पे, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन की एग्जांपल देखा जाए तो मेन में क्या है, टेस्टिस। मेन में क्या है, टेस्टिस। अच्छा देखो, टेस्टिस कहीं कहीं पर ऐसा नहीं मिलेगा और इसका सिंगुलर फॉर्म देखोगे किसी एक टेस्टिस के बारे में बात कर रहा होगा तो टेस्टिस में आई लगा देता है ना। अगर TES लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या होता है, पुंगरम फॉर्म होते हैं जिसमें दो टेस्टिस की बातें कर रहे होते हैं। और अगर क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो इसे TES TIS लिख देते हैं, है ना, टेस्टिस के फॉर्म में देते हैं। तो सोचो यहाँ पर क्या हो गया, टेस्टिस इसके ऑर्गन हो गया। इसके अलावा जो मेरे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो आते हैं उसमें से उस ऑर्गन की बातें करते हैं जहाँ पर से क्या कहते हो कि जो टेस्टिस के बाहर का पार्ट, टेस्टिस के अंदर भी कुछ डक्ट है हम उसको बाद में बात करेंगे, टेस्टिस के बाहर से लेकर के मेन का पेनिस तक जहाँ से वो क्या करता है, सीमेन को इजाकुलेट करता है, वो पूरी बॉडी से बाहर निकालता है स्पर्म को, उस पूरे ट्रैक्ट को या उस पूरे सिस्टम को हम कहाँ रखेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में रखेंगे, जो सपोर्ट करेगा किसको, मेन गैमेट को, जो क्या करेगा, फीमेल बॉडी तक पहुँचाने का काम करेगा। इसमें देखो तो याद करो ना, जब अगर हम NCERT पर हो गए तो हाँ GT टेस्टिस ये सारी बातें आएगी तो वो सब टेस्टिस के अंदर है। टेस्टिस के बाहर वाले पार्ट को हम कहाँ रखते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में रखते हैं, सेक्स ऑर्गन में रखते हैं जिसमें EPD डायमिस आ जाता है, EPD डायमिस आ जाता है, वास्ट डिफरेंस आ जाते हैं, वास्ट डिफरेंस आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ही आ जाएगा तुम्हारा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, फिर इसमें आ जाएगा यूरेथ्रा, है ना, यूरेथ्रा आ जाएगा, इसके बाद पेनिस आ जाएगा, है ना। तो ये सारे पार्ट जो होंगे, या पेनिस मेटस भी कहा जाता है ना, तो ये सारे पार्ट जो होंगे वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ क्या होता है, ग्लैंड्स भी काम करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अलावा, मतलब इसमें तो एक गैमेटोजेन काम किया जहाँ पर एंड्रोजेन बना रहे हैं, एंड्रोजेन क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, या एक होता है हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है जिसे DHT भी बोला जाता है ना। तो एक यहाँ से क्या होता है, एंड्रोजेन से ही निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो एक तो बहुत से बुक में देखोगे तो तुम्हें क्या करेगा, एंड्रोजेन को अलग करेगा, टेस्टोस्टेरोन को अलग करेंगे। रियलिटी में देखा जाए तो टेस्टिस के अंदर जो सेम होती है वो एंड्रोजेन ही प्रोड्यूस करती है, जो दो टाइप का प्रोड्यूस करती है, एक टेस्टोस्टेरोन बनती है ना, वो एंड्रोजेन ही कहा जाता है, एक होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है जिसे DHT शॉर्ट में बोला जाता है। तो ये क्या है, एंड्रोजेन का ही हिस्सा है। तो यहाँ से देखोगे तुम तो तुम्हें क्या हो गया, एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन आ गया और एक क्या आ गया तुम्हारा, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन आ गया। तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का। फिर से एक बार देखूँ तुम्हारा क्या हुआ, हमने कहा सर मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और एक क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहेंगे जहाँ पर क्या बनेंगे, गैमिट बनेगी, और जहाँ पर क्या होगा, एंड्रोजेन तैयार होंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो कहेंगे जो गैमिट बन जाने के बाद उस गैमिट को न्यूट्रिशन करे, उसके प्रोडक्शन करे और उसे फीमेल बॉडी तक जो पहुँचाने का काम करे, है ना, उसे हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कह देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ह्यूमन मेन में जो पार्ट होता है उसका नाम है टेस्टिस। अभी हम बोल रहे थे पीछे कि टेस्टिस अगर पेयर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ES लगा देंगे। अगर इसका सिंगुलरी रूप यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, TES TIS लगा देंगे। अरे ये एक पेयर में होता है, ये एक पेयर में होता है, इसकी शेप क्या होती है, ओवन शेप का होता है। ये हंका कैसे, तो हंका पिंक कलर पे आता है ये, है ना, तो पिंकिश कलर कह सकते हैं या लाइट पिंक कह सकते हो, ये पिंकिश कलर पे होता है जनरली। इसका जो साइज देखा जाए तो लेंथ इसके जो होते हैं 4 to 5 centimeters, है ना, 4 to 5 centimeters का लेंथ होता है, और इसकी चौड़ाई जो होती है वो अप्रॉक्स 2 to 3 centimeters का होता है, है ना, 4 to 5 centimeters लंबाई हो गया, लेंथ हो गया इसका,
और इसका चौड़ाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से इसकी चौड़ाई। तो इसको डायमीटर में से तो 2 से 3 सेंटीमीटर। अरे अगर देखा जाए ह्यूमन में जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब कहने का मतलब बॉडी से बाहर होते हैं, है ना। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। अब बात आती है कि सर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों होगा, तो क्योंकि हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म को बनाने के लिए। अब अगर ये बॉडी में अगर टेस्टिस रहेगा तो बॉडी में टेस्टिस रहेगा तो उस टेस्टिस को बॉडी के टेम्परेचर मिलेगी, और जब बॉडी को टेस्टिस को जब बॉडी के टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा कि वहाँ पर स्पर्म नहीं बन पाएगी। इसमें स्पर्म बनाने के लिए तो कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है, तो लिखेंगे सर नेसेसरी होता है ये, है ना, नेसेसरी टू स्पर्मेटोजेनेसिस, या नेसेसरी टेम्परेचर लिख सकते हो, नेसेसरी टेम्परेचर टू स्पर्मेटोजेनेसिस इज लेस देन 2 to 3 degrees Celsius। बहुत से बुक में 2.5 degrees Celsius लिखता है। तो 2 से 3 degrees Celsius बॉडी टेम्परेचर से क्या चाहिए, कम चाहिए। और जब बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 degrees Celsius कम चाहिए तो उसको बॉडी में तो रहना नहीं होगा, बॉडी से बाहर जब रहेगा तभी ये क्या हो सकता है इस टेम्परेचर को मैनेज कर सकता है। इसमें 2 से 3 degrees Celsius टेम्परेचर कम करने के लिए ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। तो बात आती है सर ये रहता कहाँ, तो रहता है कहाँ पे, ये देखो कि ये क्या होता है, सब बॉडी से बाहर एक स्किन पाउच बना हुआ, इस तरीके से पाउच बना हुआ एक स्क्रोटम सैक होता है, इसका स्क्रोटम भी बोलते हैं, है ना, क्या होता है स्क्रोटम सैक होते हैं, या इसे हम लोग स्क्रोटम भी बोल देते हैं, जो स्किन पाउच होता है इस तरीके से। तो ये आखिर देखो स्क्रोटम सैक में देखोगे तो ये जो होगा एक ऊपर रहेगा और एक थोड़ा सा नीचे रहता है, है ना, ये बराबर पे नहीं रहता। यहाँ पर जो टेस्टिस होती है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इसमें भी होता है, क्योंकि सोचो ये पजेंट कहाँ पर, पजेंट है सर थाई के बगल में, है ना, दोनों थाई के बीच में। अगर मान लिया जाए कि मेन क्या करता है कि उस थाई को बहुत ज़ोर से शॉक लेता है, कहीं जंप किया या कहीं पर उसको क्या किया बहुत जोर लगा, तो वो स्कूटर से एक प्रेस होगा। अगर मान लिया जाए ये दोनों का दोनों, अगर इस तरीके से मानो कि दो टेस्टिस है और ये दोनों अगर सेम पोजीशन पे है, तो अगर इसको कोंगाइट होगा तो यहाँ से रप्चर हो सकता है, कोंगाइट होगा तो क्या हो सकता है टूट सकता है। इसलिए अगर ये एक ऊपर है एक नीचे है तो अगर ये यहाँ से शॉक लगती है तो इसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं लगेगा, है ना। इसलिए क्या होता है कि सर ये टेस्टिस जो होते हैं एक ऊपर और एक नीचे होते हैं। ये जो टेस्टिस यहाँ से जुड़ा होता है इसके द्वारा एक फाइब्रस बैंड के द्वारा जुड़ा होता है, है ना, एक फाइब्रस बैंड होती है एरियोमा टिश्यू का बना हुआ, तो यहाँ पर फाइब्रस बैंड होता है जो इसको स्क्रोटम से जोड़ के रखता है, है ना। ये जो फाइब्रस बैंड होते हैं इस फाइब्रस बैंड का नाम है गवर्नाकुमम्स, है ना, ये फाइब्रस बैंड का नाम क्या है गवर्नाकुमम। ये गवर्नाकुमम करते क्या है, गवर्नाकुमम करते से इस टेस्टिस को इस स्क्रोटम से जोड़ करके रखती है, इस स्क्रोटम से जोड़ करके रखती है। अब देखोगे इस टेस्टिस का जो निर्माण होता है, है ना, टेस्टिस की फॉर्मेशन जो होती है वो प्रेगनेंसी के समय ही मदर बॉडी में ही हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी में। तो टेस्टिस की फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस जो होते हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है, है ना, इन एब्डोमिनम। ये कहाँ पर बनते हैं, एब्डोमिनम कैविटी में, इन एब्डोमिनम कैविटी में तैयार होते हैं। सोचो बनती है तो एब्डोमिनम कैविटी में ही बनती है, एब्डोमिनम कैविटी में ही, लेकिन ये आ जाती कहाँ पे, आ जाता स्क्रोटम में। तो बात आती है सर ये आता कब है, क्या जब एम्ब्रियो तैयार होता ना ये, तो उसके स्क्रोटम तो बने रहते हैं, बट स्क्रोटम में क्या होता है कि टेस्टिस नहीं होता है, स्क्रोटम सैक बने होते हैं बट टेस्टिस नहीं होता है। जब प्रेगनेंसी की 7th month होती है, है ना, प्रेगनेंसी की 7वें महीने जब होती है तो 7वें महीने में ये एब्डोमिनम से डिसेंट कर जाता है, है ना,
एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंट करता कहाँ पे, डिसेंट मतलब उतर जाना है ना, तो बना था कहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में, और यहाँ से डिसेंट करके कहाँ गया, स्क्रोटम में गया ये, है ना, ये कहाँ गया स्क्रोटम में। तो सर यहाँ से क्या हुआ, बना एब्डोमिनल कैविटी, इसको और आगे बना दो, ये डक्ट इस तरीके से है ना, इस तरीके से डक्ट बना दो इसको, ये क्या होता है इस तरीके से, ये जो स्क्रोटम है ये जुड़ा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी से, बना कहाँ से एब्डोमिनल कैविटी में, बना एब्डोमिनल कैविटी में और वहाँ से डिसेंट हुआ कहाँ पे, तो लिख देते हैं इसके नीचे है ना, इसके नीचे लिख देते हैं कि टेस्टिस डिसेंट्स इन स्क्रोटम ड्यूरिंग सेवंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग सेवंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ही क्या हो जाता है कि सातवें महीने की प्रेगनेंसी जब होती है, बंद तो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में ही, मेरे सातवें मंथ के प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है नीचे उतरता है ना, और ये जो जिस नंगी से नीचे उतर रहा है इस नंगी का नाम है इंग्यूनम कैनाल, इंग्यूनम कैनाल हो गया, तो क्या हो गया इंग्यूनम कैनाल। अब सोचो जब इंग्यूनम कैनाल से तो ये क्या हुआ नीचे उतरा, लेकिन क्या होगा कि सर ये इंग्यूनम कैनाल क्या टेस्टिस उतार देने के बाद इसका कोई काम रह गया, तुमको कहो के नहीं रहेगा सर, अब इसकी जरूरत क्या है, टेस्टिस तो क्या हो गया डिसेंट हो गया कहाँ पे स्क्रोटम में, अब इसका क्या काम है ना, तो ऐसा नहीं है इसके अभी भी काम, क्या होता है कि सर इस टेस्टिस को बंगड भेजना चाहिए ताकि इसको न्यूट्रिशन मिले, इसको ऑक्सीजन मिले, इसको नर्वस टिश्यू चाहिए है ना, ताकि यहाँ से जो भी इम्पंक्सेस हो उसको पहुँचाया जाए आगे तक ब्रेन तक पहुँचाया जाए, यहाँ पर लिम्फ चाहिए है ना, ये सारी चीज़ों को जो ट्रांसफ़र करने वाला डक्ट होगा वो डक्ट इसी से आकर के जुड़ेगा है ना, वो डक्ट क्या होगा इसी के थ्रू आकर के जुड़ेगा, और ये एब्डोमिनल कैविटी से, जबकि हम इसमें वासा डिफरेंस पढ़ते हैं है ना, वासा डिफरेंस क्या होता है सर, ये स्क्रोटम यहाँ से जाकर के यहाँ पर एपिडिडाइमिस बनते हैं, आगे पूरा सिस्टम बना रहे हैं, एपिडिडाइमिस बनती है और ये एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस निकालता है, वासा डिफरेंस एक नंगी है जो क्या कहता है टेस्टिस से मतलब एपिडिडाइमिस से जोड़ता है जाकर के कहाँ तक यूरेथ्रा तक, यूरेथ्रा से फिर पेनिस जुड़ जाती है, तो यूरेथ्रा तक जो जोड़ने का ये काम करता है, यह सेमनंग वेस्कम से मिलता है, सेमनंग वेस्कम से मिलते हुए यूरेथ्रा तक जाता है, यूरेथ्रा से पेनिस या पेनिस क्या होता है फिर पेनाइल मेंगटस से मेटस के द्वारा क्या हो जाता है बॉडी से बाहर निकलता है। तो सोचो ये जो पूरा जाता है ना, तो टेस्टिस से ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पेनिस में चला जाता है, ये टेस्टिस से जो वासा डिफरेंस होते हैं पहले एब्डोमिनल कैविटी में जाती है, और एब्डोमिनल कैविटी से वहाँ से क्वाइंग होते हुए क्या होती है फिर उतरती है सर यूरेथ्रा के पास में, ऐसे में तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा जो इंग्यूनम कैनाल है वह इंग्यूनम कैनाल खत्म नहीं होती है, उस इंग्यूनम कैनाल के अंदर से वासा डिफरेंस है, उसके अंदर से बंगड वेसंस निम्फ वेसंस ये सारे सिस्टम क्या होते हैं उसके अंदर से ही चमकते हैं है ना। अब तो देखोगे इसका एक नाम है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका नाम चलो इसका नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, इसका क्या नाम है, जब ये डक्ट इससे गया, इससे जब डक्ट गया कहाँ पे बाहर निकला तब इसका नाम इंग्यूनम कैनाल तो था ही, इंग्यूनम कैनाल के अंदर क्या हुए डक्ट तैयार हुए जिसको हम कहेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड समझ में, तो इंग्यूनम कैनाल का कुछ हिस्सा रह गया ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बना। अब इसके अलावा देखो इसमें दो मसल्स काम करते हैं, एक मसल्स जो इससे चिपका हुआ रहता है मतलब क्या ये डक्ट है फर्स्ट फिगर फिर से बनाते हैं है ना, इसमें क्या हो गया तुम्हारा समझो इसको देखो एक बार फिर से देखना, तो उसके बाद क्या करते हैं फिगर अलग से बनाते हैं जिसमें हम दिखाएंगे अलग अलग कमर करके कि सर कौन से मसल्स कहाँ काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम क्या बताएं टेस्टिस, टेस्टिस में क्या होता है पैर में रहता है ओवन शेप का रहता है हमका पिंक कलर पे रहता है, इसमें पिंकिश कलर भी हो सकते हैं लाइट पिंक कलर भी हो सकते हो, ये क्या होता है इसकी लंबाई जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है और चौड़ाई कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब स्टोमैक से मतलब एब्डोमिनल पार्ट से बाहर होना। अच्छा कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जिसमें
हम यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं ना, कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जिसका इंट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब अंदर में ही क्या होता है, मतलब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होती है, तो उसमें इंट्रा एब्डोमिनल होता है। इंट्रा एब्डोमिनल देखने के लिए कुछ एग्जांपल याद रखें, जहाँ से तुम्हें क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना, क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें आ जाएगा तुम्हारा एलिफेंट, एलिफेंट का, व्हेल का, एक है था इकिडिना पैमिपिटेस, पैमिपिटेस जिसको, अच्छा इकिडिना पैमिपिटेस के बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये ओविपेरस मैमम है। जनरली मैमम्स क्या होते हैं, भीवी पेरस होते हैं, है ना, चाइल्ड बर्थ करते हैं, लेकिन इकिडिना पैमिपिटेस जो है वो क्या होता है, ओविपेरस पेरस मैमम है। तो ये क्या हो जाएगा, ओविपेरस मैमम है। अच्छा इसके अलावा और भी किसी में होता है क्या, हाँ सर इसके अलावा सिंग्स में होते हैं, है ना, मतलब जितने भी एक्वेटिक मैमम्स है, एक्वेटिक जो वाटर में रहने वाला मैमम्स है, उस मैमम्स में भी तुम्हें क्या होगा कि इसे इंट्रा एब्डोमिनल देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक्वेटिक मैमम्स में क्या होंगे, इंट्रा एब्डोमिनल। अगर टेरेस्ट्रियल मैमम में बात करो तो तुम्हारे पास कौन आते हैं, एलिफेंट। ऐसे ज़्यादातर तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं वो एलिफेंट से आता है या तो फिर कहाँ से आता है, व्हेल से आता है, है ना, एलिफेंट से आता है या तो व्हेल से आता है। तो ये तुम याद रखना कि सर इसके जो टेस्टिस होते हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। असल में ह्यूमन में जो होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, बॉडी से बाहर, इसके फिगर में हमने अभी बताया कि टेस्टिस जो होता है यह स्टोटम सैक से जुड़ा होता है, किसके द्वारा, गवर्ना कुंगम, एक फाइब्रस बैंड होती है, है ना, हम यहाँ से कुछ कुछ लिखते जाते हैं, गवर्ना कुंगम क्या फाइब्रस बैंड है, फाइब्रस बैंड है विच कनेक्ट टेस्टिस एंड स्टोटम सैक, स्टोटम सैक तक जोड़ने का काम करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो है, ये हम बताएं इंग्यूनम के नाम, इंग्यूनम के नाम टेस्टिस को एब्डोमेन से जोड़ता है ना, इट कनेक्ट इट कनेक्ट टेस्टिस टू एब्डोमिनल कैविटी। अभी हम बताए थे पीछे कहानी कि टेस्टिस की जो निर्माण होता है वह एब्डोमिनल कैविटी में होता है, वहाँ से डिसेंट करता है, वहाँ से नीचे उतरता है सेवंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और इसी के रास्ते के द्वारा आता है कौन, इंग्यूनम कैनाल। लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्यूनम कैनाल जब क्या किया, टेस्टिस को उतार दिया, डिसेंट कर दिया, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। यही क्या कहता है, इसके अंदर से वास डिफेंस, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब चीज़ को कैरी करता है ना। तो इंग्यूनम कैनाल के द्वारा क्या कहता है कि यहाँ से, अच्छा लिख देते हैं, डिसेंट टेस्टिस, डिसेंट टेस्टिस, है ना, टू एब्डोमिनल कैविटी टू स्टोटम सैक, फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम सैक, एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक तक आने का काम करता है इंग्यूनम कैनाल ही करता है। इंग्यूनम कैनाल खत्म हो जाने के बाद इस यहाँ क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड बन जाती है। हम क्या बताएं, हम ये बोलेंगे कि क्या होता है कि जो इंग्यूनम कैनाल से बना था ये एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को उतारने का काम कर गया, फिर इसका कुछ बचा हुआ पार्ट है जिसके द्वारा ब्लड वेसल्स, जिसके द्वारा क्या वास डिफरेंस, इसको लिख सकते हो क्या, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ये सारे पार्ट क्या हो जाते हैं कि सर इससे पास करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड है एक ट्यूब है जो कनेक्ट करता या कैरी करता है, कैरी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल, लिम्फ, नर्व सेल, और ये कैरी करता है इसके अलावा क्या, वास डिफरेंस।
ये सब कुछ इसी से होकर के पास करते हैं, है ना। इसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। वॉस डिफरेंस क्या होता है कि इसे एपिडिडाइमिस से जुड़ते हैं और टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है और यहाँ से जुड़ता है एब्डोमिनल कैविटी में क्वाइंग होते हुए क्या होता है यूरेथ्रा तक आती है, यूरेथ्रा से पेनिस में जुड़ जाता है। तो सोचो ये यहाँ से क्या होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से जाने का काम करेगा। अब देखोगे सबसे बड़ी फैक्ट है जो हमने कहा था कि सर टेस्टिस हमारी बॉडी से बाहर इसमें होता है ताकि वो टेम्परेचर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेगा इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, जिसमें अगर मानो कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर समर सीजन रहा तो समर सीजन में क्या होते हैं कि ये टेस्टिस रिलैक्स होती है। समर सीजन में क्या है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है और अगर ये टेस्टिस बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसमें बॉडी से बाहर ही रहे तो बेहतर है ना, क्योंकि इससे क्या करेगा ये, इसमें समर सीजन में ये रिलैक्स होता है ना, समर सीजन में ये रिलैक्स होता है। लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है कि सर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर घट जाते हैं, और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर घटेगा तो बॉडी के बाहर जो भी पार्ट है उसके टेम्परेचर कम लगेंगे, तो टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब टेस्टिस के टेम्परेचर जब कम होने लगेंगे तो वहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो गैमेट फॉर्मेशन सही से हो इसके लिए क्या करता है कि सर यहाँ पर देखो दो मसल्स लगे हुए हैं, एक मसल्स का नाम हमने दिया है डॉटर्स मसल और एक मसल्स का नाम दिए हमने क्रेमेस्टर मसल्स। क्रेमेस्टर मसल्स जो होता है देखो ये टेस्टिस से कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं, है ना, क्रेमेस्टर मसल्स जो है टेस्टिस से कनेक्ट होते हुए जा रहा है, और डॉटर्स मसल्स जो है स्क्रोटम सैक से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। डॉटर्स मसल्स जो है वो क्या है, स्क्रोटम सैक से कनेक्ट हो रहे हैं। अब तो सोचो अगर मान लिया जाए कि सर क्या होता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर घटा, टेस्टिस को क्या चाहिए बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर के आसपास चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए एनवायरमेंटल टेम्परेचर से। अब सोचो बाहर का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस आ जाए, हमने क्या कहा था स्पर्म बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ऐसा नहीं कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर 10 पे आ जाए और उसके अनुसार से काम हो, तो उतना कम तो नहीं चाहिए उसको स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए बॉडी से 2 से 3। तो ये जो स्पर्म, ये जो टेस्टिस होता है इसको ऊपर उठाता है, है ना, इसको ऊपर उठाने। तो सोचो क्रेमेस्टर मसल्स क्या करेगा, क्रेमेस्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये टेस्टिस कहाँ उठेंगे, ऊपर उठेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऊपर उठेगा तो ये ऊपर जाके टच होगा किससे, बॉडी से, तो जो टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, है ना। क्रेमेस्टर मसल्स जैसे ऊपर उठेंगे, अब सोचो ये मसल्स से गवर्नर कोलम के द्वारा कौन जुड़ा हुआ है, स्क्रोटम सैक जुड़ा हुआ, तो स्क्रोटम सैक भी ऊपर उठना शुरू करेगा। स्क्रोटम सैक को ऊपर उठाने वाला जो काम करता है वो कौन करता है, डॉटर्स मसल्स करता है। इसमें विंटर सीजन में देखोगे जो स्क्रोटम सैक की स्क्रीन होती है वो रिंकल्ड हो जाती है ना, रिंकल्ड मतलब क्या हो जाना कि सर सिकुड़ जाने से, बूढ़े मुँह का स्किन देखते हो ना, है ना, बूढ़े मुँह का स्किन क्या हो जाता है सर, धीरे धीरे स्किन में फाइट टूट जाती है तो स्किन रिंकल्ड होने लगती है, मूज हो जाते हैं ना। इस तरीके से यहाँ पर भी स्किन क्या हो जाती है सर, ये मसल्स जो डॉटर्स मसल्स है इसको ऊपर की ओर सिकुड़ लेता है, है ना। डॉटर्स मसल्स क्या किया, स्क्रोटम सैक को ऊपर ले गया और क्रेमेस्टर मसल्स टेस्टिस को ऊपर ले जाएगा, टेस्टिस को ऊपर ले जाएगा, इसके कहाँ से ये टेस्टिस कॉन्टैक्ट होंगे किससे, बॉडी से। अब बॉडी के जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो टेम्परेचर क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा, असल में। तो ये डॉटर्स मसल्स जो जैसे अगर सोचो समर सीजन में क्या बोलेंगे, समर सीजन में बोलेंगे कि सर ये रिलैक्स, क्योंकि समर सीजन में इसको टेम्परेचर ऐसे भी बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी टेम्परेचर उसको चाहिए नहीं उसको, है ना, उसको फ्री चाहिए, तो वहाँ पर क्या है वो रिलैक्स मोड में है, कोई काम नहीं होती है। लेकिन जैसे विंटर सीजन जाता है तो विंटर सीजन में क्या होते हैं, एक्सटर्नल टेम्परेचर कम जाते हैं। अब एक्सटर्नल टेम्परेचर घट गया, है ना, एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या हो गया, कम गया बाहर, इसको अगर इसको टेम्परेचर मेंटेन रखना, क्योंकि ह्यूमन में ऐसा तो नहीं है ना कि सर अगर क्या हो जाए कि विंटर आ जाए तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, एक स्पेशल सीजन में ही हम लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। हम लोग का क्या होता है सर, 12 मंथ में हर एक क्या हो सकता है, हर एक दिन गैमेट बन सकती है, खत्म हो सकती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, बॉडी टेम्परेचर, मतलब टेस्टिस की टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नहीं, टेस्टिस की टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। अब टेस्टिस की टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, किसके कॉन्टैक्ट में आने के लिए, बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने के लिए। तो बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने के लिए देखो ये दोनों मसल्स अपने तरीके से काम करती है, है ना। डॉटर्स मसल्स क्या होता है, अब सोचो डॉटर्स मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे डॉटर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिंकलिंग ऑफ क्या हो जाएगा, रिंकम हो जाएगा,
रिंकलिंग ऑफ स्किन ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम है ना, स्किन ऑफ स्क्रोटम। अच्छा एक चीज़ और देख सकते हो कि जब अगर स्किन रिंकम हो जाए तो उसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, घटेंगे या बढ़ेंगे? सरफेस एरिया रिंकम हो जाएगा तो सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटता तो टेम्परेचर लॉस कम होती है ना, सरफेस एरिया घटेगा तो टेम्परेचर लॉस कम होगा। तो रिंकलिंग होने के कारण से टेम्परेचर डिसिपिटेशन होने से बचाने का मतलब टेम्परेचर लॉस से बचाएगा ये, है सर में। तो सर यहाँ से सरफेस एरिया क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, और सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो इससे क्या होंगे, टेम्परेचर लॉस से बचाया जा सकता है सर में। तो क्या किए, डॉटर्स मसल, डॉटर मसल्स क्या करेगा, इसको ऊपर खींचेगा, ऊपर खींचे स्किन क्या हो जाएंगे, रिंकम। अगर स्किन रिंकम हुआ तो स्किन रिंकम होने के बाद क्या हो जाएगा, ये सर सरफेस एरिया घटेगी, सरफेस एरिया घटेगी, टेम्परेचर लॉस नहीं होगा, मतलब कम होगा, ऐसे नहीं कि होगा नहीं, टेम्परेचर लॉस कम होगा। जबकि ये क्या कहते हैं कि सर जो क्रेमेस्टर मसल्स होते हैं, क्रेमेस्टर मसल्स क्या करता है, क्रेमेस्टर मसल्स टेस्टिस को ऊपर उठा लेता है ना, क्या करता है, यहाँ समझते तो कि क्या करता है, टेस्टिस को ऊपर की ओर खींचता है ना, टेस्टिस को ऊपर की ओर खींचा, इसको क्या बोल दोगे, लिख सकते हैं पुंक्त वर्ष द एबडोमेन क्रेमेस्टर, तो या फिर क्या लिख सकते हैं इसे पुंक्त वर्ष, पुंक्त वर्ष एबडोमेन, एबडोमेन की तरह ये तरफ ये खींचेगा है ना, क्या करेगा, अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, ठीक है देखना थे, यहाँ पर देखो क्रेमेस्टर मसल्स इधर नीचे नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर देखना थे, क्रेमेस्टर मसल्स क्या करता है सर, यहाँ पे क्रेमेस्टर मसल्स की बात करूँ, क्रेमेस्टर मसल्स क्या करता है, ये स्क्रोटम को पुंग करता है, एब्डोमेन पुंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स एब्डोमेन, किसको, टेस्टिस को, एब्डोमेन ऑफ टेस्टिस है ना। तो सिंपल से समझो कि ये क्या करता है, ये जो मसल से टेस्टिस की तरफ खींचा, और ये मसल्स जो है वो क्या किया, स्क्रोटम सैक को खींचा। अच्छा दोनों एक बार ही काम करता है, हाँ एक होता है कि क्यों ही काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, वो कौन होते हैं, क्रेमेस्टर, क्रेमेस्टर का जो काम होता है वो क्या होता है, क्यूक, बहुत फास्ट काम करते हैं, हाँ ये स्लो काम करता है, जो डॉटर्स मसल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, स्लो में ही काम करता है, आराम आराम से ऊपर जाता है, जबकि अगर टेम्परेचर मेंटेन करना होगा तो क्रेमेस्टर मसल्स क्या करेंगे, इसको आराम से ऊपर खींचाने का। अगे सर में तो टेम्परेचर मेंटेन फिर से एक बार सोचूँगा, क्या किए, कहा कि सर दो मसल्स हैं, कौन कौन मसल्स है, डॉटर्स मसल्स है, और कौन सी मसल्स है, क्रेमेस्टर मसल्स है। डॉटर्स मसल्स किससे जुड़े होते हैं, स्क्रोटम सैक के लेयर से जुड़े होते हैं, क्रेमेस्टर मसल्स किससे जुड़े होते हैं, टेस्टिस से जुड़े होते हैं। ये क्या करता है, जब बॉडी बाहर का टेम्परेचर घटता है ये क्या करता है, ऊपर ले जाता है, ये ऊपर ले गया, ये स्क्रोटम सैक के भी क्या गया, ऊपर गया, कौन किसके मसल्स के द्वारा, डॉटर्स मसल्स के द्वारा, स्किन क्या हुआ, रिंकम, रिंकम स्किन क्या करेगा, टेम्परेचर कम करेगा, मतलब सरफेस एरिया कमाएगा, सरफेस एरिया कमाएगा तो टेम्परेचर लॉस कम करेगा, टेम्परेचर लॉस कम होंगे ये ऊपर ले जाएगा, बॉडी में टच करवाएगा, इसके कारण से यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक ओवरव्यू हम आप देखें, क्या बाहर से हम लोग देखें कि सर टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, ये सारी बात हमने किया। नेक्स्ट हम लोग आज भर रहने देते हैं, है ना, ऐसा रहने देते हैं, आज कल हम इसको बात करेंगे टीएस और एनएस ऑफ टेस्टिस है ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस को कट करके देखेंगे और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस तरीके से वो काम करता है, उसके ऊपर बात करेंगे, है ना। तो आज भर रहने दो यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास में।